जितने भी लोग एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जीके के लिए आपको डर लग रहा है, तो ये वीडियो आपको जीके में स्कोर गेन करने में बहुत मदद करेगा। मेरे एसएससी एमटीएस के स्कोर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जीके के प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा। एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है, लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी है और इसके अंदर में टोटल 8000 पोस्ट आए हैं। अगर हम बात करें सीजीएल की तो सीजीएल में लगभग 17000 पोस्ट आए हैं। मिला जुला के दोनों का जीके का पैटर्न मैच करता है एक दूसरे से, सेम टू सेम। आपको जीके के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो सबसे पहले आप अगर न्यू हैं, अभी प्रिपरेशन में लगे हैं, तो सबसे पहले आप जीके में थ्योरी कवर कीजिए। अगर आप थ्योरी कवर नहीं कीजिएगा तो आपका जीके कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है अभी हाल ही में डायरेक्ट एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाते हैं डायरेक्ट, तो मैं बता देता हूं उन लोगों को, उनका जीके कभी भी स्ट्रांग नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप थ्योरी लगाइए किसी भी चीज़ का, ये सिलसिला, उसके बाद उसी टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। और ऑब्जेक्टिव तभी लगाएं जब आप थ्योरी का कोई भी चीज़ दिमाग में छाप न लें। जैसे आपने गांधी एरा पढ़ा हिस्ट्री में या भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो भगवान बुद्ध को आप कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद ही आप एमसीक्यू उसका लगाएं। ये काम आपको पैरेलली करते रहना है। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं और लगाना ही काफ़ी ज़रूरी पीवाईक्यू, क्योंकि पेपर में 70% क्वेश्चन वहाँ से उठता है। आप लगा के देखिए PYQ, तो आपको याद करने का तरीका यानी पढ़ने का जो तरीका आपका होना चाहिए, पहले थ्योरी होनी चाहिए, तब उसका MCQ, तब PYQ। तो थ्योरी कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, एक बार पढ़ के आपको याद होने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं होने वाला एक बार पढ़ के। अगर एक बार पढ़ के याद होता तो आज हम या आप एक बार में IAS बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है 2 से कम से कम 3 बार कोई भी टॉपिक को पढ़ें। एक बार फर्स्ट टाइम आप सुबह में पढ़िएगा तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम आप पढ़िएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और थर्ड टाइम में तो आपको याद हो जाएगा। और अंडरलाइन मारिए उसमें कि हाँ ये पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मैं इसे भूल जाता हूँ, तब जाके आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों को थ्योरी एक बार पढ़ ली किसी तरीका से रोड़ा के, दूसरा बार बोला जाए उसको रिविज़न करने के लिए तो रिविज़न करने में नहीं कर पाते हैं, रिवीजन करते नहीं, जिस कारण से उनका एमसीक्यू में मार्क्स उठता नहीं, पीवाईसीक्यू में मार्क्स उठता नहीं है, जिस कारण से उनका मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं उठ पाता है। सबसे बड़ा गलती तो यही हो जाती है उन लोगों से, कितना भी समझा लीजिए नहीं समझते हैं। थ्योरी को आपने एक बार पढ़ा है सुबह में या क्लास में या जहां भी हो, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जहां भी आप एक बार पढ़िएगा फर्स्ट टाइम तो आपके दिमाग में 50% जाएगा, सेकेंड टाइम पढ़िएगा उसको तब 75% में रहेगा, और जब थर्ड टाइम पढ़ लीजिएगा तो आप 100% में हो जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप आज ही के आज 4 बार पढ़ लीजिए, आज आप एक बार पढ़ लीजिए तो कल रिवीजन कीजिए, तभी जाके आप एमसीक्यू लगाइए उसका। डायरेक्ट एमसीक्यू लगाइएगा आधा सही आधा गलत हो जाएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा एमसीक्यू, बेकार होता है तरीका। तो कोशिश कीजिए कि आज हम थ्योरी अगर भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो भगवान बुद्ध के बारे में हम पूरी जानकारी ले लें टोटल, आज पढ़ लें, 1 घंटा बाद फिर पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, इस तरीका से पढ़ लें, तो जाके आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। फिर साथ में आप पीवाईक्यू लगाते रहें, तो ये तरीका होता है पढ़ने का जो मैंने बताया। लेकिन लोगों के पास तरीका क्या है, डायरेक्ट एमसीक्यू लगाने लगते हैं, ऑनलाइन खोल लेंगे वीडियो, एमसीक्यू चालू हो गया, इससे आपका नॉलेज नहीं होगा बस, अर्थ टाइम पास ज़रूर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले थ्योरी पढ़ें, MCQ PYQ पैरेलली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थ्योरी कम से कम 2 बार पढ़ें कोई भी चीज़ का, जो लिखी गई किताब में बातें होती हैं वो बातें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, तभी आप MCQ लगाओगे। MCQ का मतलब क्या होता है, खुद को जांचना मल्टीपल ऑप्शन से। आप बिना पढ़े जांचोगे खुद को तो आप कुछ मार्क्स नहीं उठाओगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी, आज मार्क्स आ जाए कल भूल जाओगे। अब आप थ्योरी के लिए कौन सी किताब ले सकते हैं, तो थ्योरी के लिए आप मेरे हिसाब से आप ल्यूसेंट का बुक ले सकते हैं, आप ल्यूसेन का बुक ले सकते हैं, आप किरण की किताबें ले सकते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास और सोर्स है तो आपके पास एक और किताब होता है क्राउन CROWN। ये 3 पुस्तक जो आपके सामने है, एसएससी के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग
एसएससी के एग्ज़ाम की भी उसे कर रहे हैं, तो लूसेंट, किरण और क्राउन ये तीनों बुक आप ले सकते हैं। साथ साथ लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक है जो छोटी होती है, शायद बड़ी हो गई है, उसमें जो दिया हुआ है पॉलिटी, मैं बताता हूँ, पॉलिटी और इकोनॉमी और स्टैटिक साथ में हिस्ट्री, ये सेक्शन वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप साइंस को, अच्छा ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप साइंस की बात करें तो जो ब्लू वाला लूसेंट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उससे आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें सिर्फ छोटा सा भाग दिया हुआ है। आपको एक और लूसेंट की बुक आती है जो कि ग्रीन कलर में आती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप ये लूसेंट ले सकते हैं। ये लूसेंट में अलग से फिजिक्स, अलग से केमिस्ट्री, अलग से बायोलॉजी दी गई है। अभी एक और किताब मैंने दो दिन पहले देखा है आदित्य रंजन सर का, आप इनका किताब भी आप साइंस के व्यू से प्रैक्टिस करने के लिए फ़िलहाल ले सकते हैं। किरण की बुक भी आप ले सकते हैं, क्राउन की बुक ले सकते हैं थ्योरी के लिए, ठीक है। अब बचा एमसीक्यू, तो लूसेंट की बुक ही आती है एमसीक्यू की, क्या आती है एमसीक्यू की आती है, बहुत अच्छी होती है ग्रीन कलर की, स्क्रीन पर आप देखिए, ठीक है। अब ये पुस्तक आप ले लीजिए मार्केट से, ये आपको एमसीक्यू में काफ़ी मदद करेगा। कौन सा एमसीक्यू? थ्योरी के आधार पे जो बना हुआ एमसीक्यू होता है उसमें मदद करेगा। अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू के लिए अभी दो ही किताब मेरे माइंड में है। पहला है आपके लिए किरण, आप ले सकते हैं, फिर से किरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में कुछ होता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए, पीडीएफ में मिल जाए, बुक से मिल जाए, ज़्यादा अच्छा होता है। तो दो किताबें मार्केट में चल रही है, एक किरण की, आप पिनेकल की, आपको जो सस्ता लगे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बुक ही अच्छी है। और आप पी वाई क्यू का बुक नहीं लेना चाहते तो आप टेक्स्ट बुक का आई डी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस पी वाई क्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें मॉक टेस्ट बना के दे दिया गया है, लगभग 1439 मॉक टेस्ट जीके का, आप ये लगा लीजिए, कहानी ख़त्म, आपका जीके पी वाई क्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आप सीरियल नंबर से पढ़िएगा थ्योरी, देन एमसीक्यू, देन पी वाई क्यू, तब आपका मार्क्स आएगा, इस एग्ज़ाम में आए चाहे अगला एग्ज़ाम में आपका मार्क्स आएगा। अगर आप गलत तरीके से पढ़िएगा तो आप 10 एग्ज़ाम देने के बाद भी जीके में स्कोर नहीं कर सकते। और मैं डिसेंट स्कोर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको टॉप नहीं करवा सकता हूँ, डिसेंट स्कोर 70-80%। अब आइए सीरीज मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले किताब को ले लिए, खरीद लिए, तो पढ़ना क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले आप पॉलिटी ख़त्म करें, सभी लोग सबसे पहले आप लोग पॉलिटी ख़त्म किया करिएगा, उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़िएगा सेकंड में, ठीक है। थर्ड में आप बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, थ्री यहाँ कर देते हैं बायोलॉजी, उसके बाद फोर में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, फाइव में आप स्टैटिक पढ़ लीजिएगा, तब इतना होने के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन आप जा करके इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। ये सीरीज होती है पढ़ने की। अगर आपको ये पढ़ने में एक महीना लगता है, दो महीना लगता है, चार महीना लगता है, अगर आप पुराने व्यक्ति हैं, पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ, तो आप जो है इसको कुछ ही समय में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूँ, एक महीना, चलिए मिनिमम 20 दिन तो लगेगा इसमें, 25 दिन इसमें अच्छे से पढ़िएगा तो थ्योरी के साथ, 30 दिन इसमें लग जाएगा आपको, एक महीना इसमें, एक महीना इसमें अगर अच्छे से पढ़िएगा तो, और एक महीना इसमें। तो ये अगर जिनको अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए है, या सितंबर से लेकर के अगस्त तक पढ़िएगा। अगर हम बात करें सीए को इतना कम क्यों मैंने वेटेज दिया है, तो भैया देखिए सीए जो है आपका काम आपका कुछ समय तक देगा, एक एग्ज़ाम तक, बाकी आपका बाकी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितने भी हैं सभी एग्जामिनेशन में ये काम देगा। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप ऐसे चीज़ से तैयार कीजिए जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे। सीए कुछ समय के बाद आपका एक्सपायर कर जाएगा, तो आप ज़्यादा मेहनत अभी इस पर कीजिए। और सीए में बाह्यात क्वेश्चन आता है, आपको 4 साल पुराना, 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ से आप दीजिएगा। तो बेटर है कि समय इसको दीजिए, जिन जो नए हैं, जो पुराने हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीए में एग्जाम टाइम में सबको हेल्प कर दिया जाएगा, इसमें फिक्स टॉपिक आती है, जैसे अवार्ड हो गया, डांस हो गया, सॉरी डांस बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, या फिर योजना हो गया, ये सारी चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी ये मदद करेगा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अगर हम बात करें पुस्तक मैंने बता दिया कौन सा आप ले सकते हैं, सीरीज मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, कौन चीज़ पहले पढ़ना है, कौन चीज़ बाद में पढ़ना है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऑफलाइन के लिए किताब का लिंक आपको दे दिया गया, आप खरीद सकते हैं वहाँ से। तो जो भी बच्चे अगर
शॉर्ट टर्म में मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं और सिर्फ एमसीक्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्लासेस जो शाम में चलती है वो आप कर सकते हैं, बट गारंटी नहीं कि उससे आपका 100% मार्क्स बढ़ेगा, बट हाँ कुछ तो मार्क्स बढ़ेगा आपका। रीज़न, जो बच्चे थ्योरी नहीं करते उनका मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट एमसीक्यू पीवाईसीक्यू से आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन नया नया बना के भी देता है तब क्या कीजिएगा, तो इसलिए थ्योरी पढ़ा कीजिए। तो थ्योरी पढ़ने का तरीका मैंने बताया, आज अगर आपने संविधान का संशोधन पढ़ा है तो कल आप क्या कीजिए कि संविधान का संशोधन का रिवीजन कीजिए, या फिर आज ही आपने पढ़ा है सुबह में तो शाम में रिवीजन कीजिए, तब जाके कल उसका एमसीक्यू लगाइए। बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए, एक बार में आपने नहीं पढ़ा, वो एक बार में बस राउंड में आया है, दिमाग में नहीं आया, बस राउंड में हवा में आया है, उसके बाद आप सेकेंड टाइम रिवीजन कीजिए, तब जाके एमसीक्यू लगाइए। पीवाईक्यू देते रहिए समय के साथ, आपको बहुत हेल्प करेगा, और इस तरीके से आप करते हैं प्रिपरेशन तो आपको आने वाला समय में जीके में स्कोर बन जाएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। अभी एसएससी एमटीएस में दूसरा सेक्शन आता है इंग्लिश का, जिसके ऊपर वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊँगा, कैसे इंग्लिश में स्कोर किया जा सकता है कम समय में। इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, जिनका फर्स्ट टाइम है वो अभी ध्यान दें पहले थ्योरी कंप्लीट करने पर, कोई शॉर्टकट नहीं है। जिनका कुछ पढ़ा हुआ है थ्योरी वो एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाएं, किताबें कौन सी फॉलो करें, आपको मदद करेगा, अल्टीमेटली आपको ये स्ट्रेटजी बहुत मदद करेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और आप लोग बता दीजिएगा आप कैसे पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो कहावत वही होगी, डायरेक्ट जाके बंदूक लेना और युद्ध में कूद जाना, तो आपकी को गोली लगेगा दूसरे को गोली नहीं लगेगा, तो ये काम मत कीजिए। चलिए तो ख़त्म करते हैं यहाँ से वीडियो को, बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो, सेशन डिसमिस आज का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी के साथ रहेगी। आप कमेंट करके बताते रहिएगा आपको इसमें कहाँ पर पॉइंट में दिक्कत है।